Hello guys and welcome back to my channel. So in this video I'll be sharing an amazing homemade pack for body polishing or just a body scrub जो भी आपको बोलना है, with just three simple ingredients that are easily available or you can easily find them in your kitchen. ठीक है, तो चलो start करते हैं. तो ये वो है जो मैंने already बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है. तो हम इसको साइड करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा वो है बेकिंग पाउडर. मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, तो बेकिंग पाउडर है. आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बोथ विल वर्क. ओके, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे राइस फ्लावर. ये राइस फ्लावर मैंने ना घर पर ही राइस ग्रेन्स को ग्राइंड करके बनाया है. आप चाहो तो मार्केट से राइस फ्लावर का पैक परचेज कर सकते हो, फाइन. तो अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल. ठीक है, ऑलिव ऑयल थोड़ा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 1 टीस्पून के अराउंड हम ऐड करेंगे. तो आप चाहो, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या फिर हनी भी यूज़ कर सकते हो. और इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट स्किप दिस स्टेप, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू, क्योंकि ये ऑयल या हनी जो भी आप यूज़ करोगे वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड विल हेल्प टू रिटेन द मॉइस्चर इन योर स्किन. तो अब इसको मिक्स करना है हमें, तो हम इसमें अब ऐसे तो मिक्स हो गए हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे. तो हमें पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बनानी है इसकी. तो हम पानी जब तक ऐड करेंगे तब जब तक हमारी पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती. तो इट्स स्टिल नॉट रेडी. इसको मिक्स करते रहना, करते रहना, करते रहना, फाइन. तो इस तरीके से आप पानी ऐड करेंगे, तो जैसा मैंने आपको आपने देखा होगा पहले स्टार्टिंग में कि मेरा ऑलरेडी रेडी था, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. और आप जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. क्वांटिटी मतलब कितनी आपको लेनी है, आपको कितना बनाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना. तो ये हमारा स्क्रब कम पैक रेडी हो चुका है एंड अब हम इसे अप्लाई करेंगे. तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है एंड जेंटली मसाज करना है, नॉट एग्रेसिवली, अदरवाइज यू माइट एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ. तो प्यार से इसको स्क्रब करना है. ये स्क्रब आप अपने हैंड्स, लेग्स पर यूज़ कर सकते हैं, इवन अंडर आर्म्स टू रिड्यूस डार्कनेस, बट फेस पर नहीं करना है. ठीक है, उसके लिए मैं दूसरी रेमेडी लाऊंगी आपके लिए. तो इसे हम 5 to 10 मिनट्स के लिए स्क्रब करेंगे एंड देन हम इसे अपनी स्किन पर नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए रहने देंगे, जब तक ये पार्शियली ड्राई नहीं होता, एंड देन विल वॉश इट ऑफ. वॉश करने के बाद यू विल बी एबल टू नोटिस द डिफरेंस ऑन योर स्किन. आपकी स्किन ना क्लीन एंड क्लियर एंड सॉफ्ट हो जाएगी. सो दिस इज अ, तो मैंने अपने हाथों पे लगा लिया, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ थोड़ा टाइम के लिए. सो आई वाज सेइंग कि ये ना बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है टू रिड्यूस टैनिंग एंड इवन बॉडी एक्ने मार्क्स, स्पेशली जो बैक पे हो जाते हैं. यू कैन यूज दिस बॉडी स्क्रब वंस अ वीक अगर बहुत ज़्यादा सन डैमेज है तो, अदरवाइज वंस इन टू वीक्स इज इनफ, क्योंकि ज़्यादा एक्सफोलिएशन भी नहीं सही है, राइट. तो मैंने सभी इन्ग्रीडियंट्स डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिए हैं. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो या फिर कॉमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं. तो या गाइस, मेरी भी फेस पैक कुछ कुछ ड्राई हो रही है एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव, क्योंकि हमारा सिंपल सा बॉडी पैक था तो इसमें कितना ही टाइम लगेगा बनाने के लिए, है ना. नाउ इट्स टाइम टू लीव. तो आप भी जल्दी से ये बॉडी स्क्रब बनाइए एंड यूज कीजिए. सून आई come up with another skincare video, so do subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, bye bye.